आदरणीय दर्शकवृंद, राम राम। मैं नंदलाल राणा और तुम देख रहे हो rana tharu.com। राना थारू को एकमात्र न्यूज़ पोर्टल है और जहाँ न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से राना थारू से जुड़ी भई तमाम मेल की रीति संस्कृति इतिहास आदि के बारे में हम अभी तक दिखाता आए हैं। इस जय क्रम में आज हम कृष्णपुर नगर पालिका वार्ड नंबर 5 देखा धूरी में आए पुगे हैं और हिना पर एक दादी की हम देख रहे हैं। मुख दादी का हाथम डलैया है, डलैया बीन रही है। तो अब उनसे हम या डलैया के बारे में पूछिए हैं कि मतलब डलैया में जो बांध है वो कौन कौन मेलक बांध रहा था है, जिसके बारे में हम जानकारी लें तहनी। अब हम उनके ठीक जा रहे हैं। स्वागत है। राम राम। राम राम। अपन नाम और गाँव बताइए। मेरो नाम माया राणा, देखत बोली मेरो गाँव और वार्ड नंबर 5। दादी जो तुम जा डलिया बीन रहे हो, जा कौन सी डलिया है, जा नाव का है? जा तो सादा है। सादा डलिया। हाँ, सादा डलिया है। अरे जे ऐसी है हमार, मतलब कई मिल की जो डलिया बीनत है, कौन मिल कई मिल की यानी डलिया बनाते हैं अपन? जा तो कई मिल बनाते, एक एक छोटी फुलवान होत है, एक बड़ी फुलवान होत है, तो दुई मिल फुलवान होत है, एक रघुआ होत है, एक धौरहरा होत है, एक घेऊरी भरत होत है, एक सिकटी होत है, तो इतनी मेल डलैया होत है। डलैया है ना, छोटी सी डलैया हुई, बड़ों से क्या कहते हैं? बड़ों से डलवा। डलवा होता है। डलवा में मतलब जो रंग बिरंग के जो डलवा बनाते हैं उनको नाव का होत है? तो बिन को नाव जही जो मेल को होत है, रघुआ हो चाहे धौरहरा, ललो बा डलैया उतार ला तब बनाए पड़े हम। हाँ, अन्य जो अपन जो डलिया देख रहे हैं वो डलिया अपन ही ना पता। जो जहाँ डलिया अपन देख रहे हैं, जो अभय जो डलिया मतलब बहुत यानी कि बहुत उपयोगी डलिया है, जैसे अपन बहुत चीज कर सकते हैं। जो पहले के मने जा धरन तहनी मतलब अपन सामान आदि त्यादि धरन तहनी डलिया बनाते रहे, तो आजकल तो जो बनाते नहीं है, तो जा ना बनाने को कारण का है? हमारे नया पुस्तक मनी काहे ना बना रहे जानो, आजकल काहे ना बनाते, अगू का आदमी तो खूब बनाते रहे, तो तुम्हें पता होना चाहिए काहे ना बनाते हैं। जा पता मोह ने जांग ना है। जा डली, जा कौन सी डलैया है, जक जक नाव का है? जा है हरबना। हरबना है? जा 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 हरबना, हरबना नाव मतलब बिनान में है। जा हाँ, जा हरबना होता है तो हरबानम फूटत है। अच्छा, हरबानम फूटत है। और रघुआ होत है तो रघुआ तीन बानम फूटत है, और धौरहरा होत है तो धौरहरा एक धौरहरा होत है तो दुई बानम फूटत, और घ्यूरी फूटत मतलब का है? वो फूटन का मतलब कंता फोड़त है। कंता फोड़त है होना से? हाँ, कोई एक बान में कोई दुई बान में है ना, वो हिसाब से रहता है। हाँ, और घ्यूरी एक है बानम फूटत है, फैलते जात है। मतलब जे मैं समझ ना पाऊँ कैसे करके फूटत है, कैसे बताते हो एक बान में? जा देखो, जा धरती है, जहू धरती है, जा ये पांच खंपा है, तब तो जा पड़ो है, जा हीना। अच्छा, जा जा पड़ो है ने? हाँ, जा पड़ो है, तब तो जा हीना पड़ो है, तो अब की जब पहली बान में जा पड़ो है, फिर दूसरी बान आई है, तब तो जा हीना फोड़ दी, जा दुई हरो पड़ी गो। अच्छा, पहली बान में एक हरो पड़ो है। अच्छा, दूसरी बान में दुई हरो पड़ी गो। हाँ, दूसरी। अच्छा, ऐसो है जग मतलब जा है ने? मैं कहो शायद दुई कंता कहने से मतलब दुई बान बिन हुई है, और जा पहली बान में एक हरो पड़ो, फिर दूसरी बान में दुई 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 हरो पड़ी, ऐसी बढ़ात ले जेने तो बान को हरो हरो फिर डर जे है। हाँ, जा दूसरी बान में जा लालो पड़ी गो एक, तब जब दुई हरो पड़ो है तब जब एक लाल पड़ो है, मतलब डलैया के बारे में जो जे बीन के तुम यानी बेच सकत हो कि ना इनके? बेचैया जो जदे बीन लेत है बेच लेत है। यानी तुम जब कोशिश करे हो ना बेचन तानी? मैं तो ना करो हूँ, व्यवसायिक रूप में ले जान कोशिश नहीं है। अपने मतलब जो जितका बीने है अपने यूज में है हुई को, मतलब वो हिसाब से अपने बनाए और अपने यूज करे, वो बात निमटाए दें, उतके बात है। जब नया पुस्तक में सारन तहनी जगह अपन के का करना पड़े है, नया जो पुस्तक मन के लालच दिखाए के हुई है कि का करे सुई, तो जा अपन मतलब नया पुस्तक बने जाके थोड़ी एक्सेप्ट करे मतलब अपनी आमय करके। उनके कलर नहीं है, जांगर नहीं है, तो जो न जांगर है तो बाकी एक कल है, जो न जांगर नहीं है तो बाकी एक कलव नहीं है, तो उनको जांगर है नहीं है, तो भाई क्या करेंगे, कछुन हो भाई वो।
ना कर पे है ना व्यवसाय के रूप में बनाता नहीं का करना पड़े तो आजकल का आदमी ना बना ना मेरे मतलब दादी की मतलब जब व्यवसाय के रूप में बनाए के जब पैसा कमा सकत हन ता अपन तब बना के पैसा कमा सकत हैं तो भुगतान नहीं का करना पड़ेगी मैं का बताऊं चलो ठीक है चलो ठीक है पहले तुम इतना जानकारी दे दे जब डलैया को जो बांध के बारे में जानकारी दे हो जब पहले मैं तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता है और अब तक अपन छुटत है ले राम राम।